राधे राधे, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। नए दिन से नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और अभी शुरुआत हो रही है मेरे जानवरों को जंगल भेजने से। और आज शुरुआत हमने थोड़ा लेट करी है। खाना हमारा बन चुका लेकिन हमने खाया नहीं है। तो अभी का जी व्लॉग की स्टार्टिंग। और ये हमारी प्यारी सी गाय आ रही है और इनको मैं भगाने में लगी हुई हूँ। आज तो लेट हो गया। हम और दिन जल्दी खोल देते थे, हम तो 9 बजने से पहले खोल देते थे लेकिन आज लेट हो गया। और ये चुन्ने मुन्ने भी आ रहे हैं, एक को पीछे से भागते भागते आ रहा है। अरे अरे, इसको क्या, ये ऐसे ही करता है, मारते भी हैं, बहुत खतरनाक है। तो इनको भगा के हम चलते हैं अंदर, उसकी बात करते हैं नाश्ता। और बुआ मेरे लिए अभी एक पपीता लेके आई है, भेजो कहीं रही थी लेकिन वो पहला पका हुआ था ना, तो वो उधर जाने के साथ साथ हो जाता उसका पिचका पुचकू, इसलिए बुआ यहीं लेके आ गई। और अभी हम इसको काट के तो बुआ लोग नहीं खाते लेकिन मैं नहीं खाया, मैंने अंदर अपने लिए पीस रखे, वैसे चूक डाल के खाऊंगी ना, इसलिए तो इनको भगा के चलते हैं अंदर। और बताया, मैं जानवर खोलते ही तुरंत मतलब बैठी थी वहाँ पे सीधे चरपाई पे, और उसी टाइम मतलब आज बंदरों का आतंक सवेरे सवेरे, कल वो दिन भर नहीं आए, मैं बैठी थी तो वहाँ पे और अभी आ रहे थे, मतलब वो जस्ट आई रही थी अंदर को लेकिन वो वहाँ पे बैठी थी, जैसे वो वहाँ पे जैसा थी, तो मैं इधर पे बैठी थी चरपाई में, तो फटाफट वो भाग गई। और मतलब अच्छा, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं छत में क्या ले गया, क्योंकि मम्मी अंदर थी घर में, मतलब जैसे अंदर थी ना तो ऊपर जैसे छत में कोई चलता है तो घड़म भड़म आवाज आती है, तो बंदर आते तो नीचे आवाज आ जाती हमारे। तो देखो मैं झाड़ू ऐसे 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 मारते मारते लेके आई, पिछली बार मैं डर के मारे सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली, इसलिए मैं आज इतना बड़ा झाड़ू लेके आई मारते मारते। फिर वो मेरे आंटा यहाँ से कूद के इस पेड़ में गए और फिर नीचे, तो बंदर अभी यही है। आज तो इतनी जल्दी आ गए यार बंदर, अब तो मतलब लग रहा है ऐसे ही रहेगा। और हमारी बुआ लोगों की मैं आपको दिखाती हूँ, वो अभी मक्खन चरी काट रही है। वो है बुआ, वहाँ पे बुआ मक्खन चरी काट रही है। देखो ये जो यहाँ पे खेत ना, ये सारा वो खाने में लगे हुए हैं, दिन भर यही खाते हैं ये। मैं बुआ और मैं थक जाते हैं इनका पौरा करते करते। जब बुआ घर में अकेली होती तब मैं करती, जब हम होते हैं तो हमारे घर में हम नहीं होते हैं तो बुआ देखती है। तो साथ ही साथ मैं आपको आज का मौसम भी दिखाती हूँ, धूप आई है मस्त मस्त, अभी बाहर बैठूंगी। और अब मैं पपीता फिर से खाने लगी, मैं रोज रोज पपीता ही पपीता खाती हूँ, मेरा नाश्ता सिर्फ पपीते का होता है और मेरा मतलब सिस्टम पाचन क्रिया बहुत तगड़ी है, इसलिए खाना पच जाता है। तो चलते हैं। और मौसम मैंने आपको दिखा दिया, तो अब चलते हैं नीचे और खाते पपीता। मम्मी अभी ऊपर कपड़े डालने आई है, अपनी एक बार पहनी हुई साड़ी धो रही है। और पापा बरसीम काट रहे हैं भूरू के लिए। चलो चलो चलो, सब लोग चलो। वाह क्या खुजली हो रही है इनके, खुजली करते करते जा रहे हैं, हमारे भूरू और लाली भी जा रहे हैं। अरे यहाँ पे आ रही है। और हमने अपने सारे पशुओं को भेज दिया है जंगल, तो गेट लगा देते हैं क्योंकि ना कल हमारा घर पे बहुत नुकसान कर रहा था, इसीलिए अंदर घुस जाता है, किसी किसी दिन भैंस अंदर घुस जाती है, किसी दिन घुस जाता है। और अब तो आप मौसम खतरनाक होने लग गया, अब गायब हो गई, धूप भी जाने लग गई, क्या ही हो रहा है। तो अब हम चलते हैं अंदर को, मैं जहाँ ताई झाड़ू पकड़ के ही जा रही हूँ। मौसम बड़ा अजीब हो गया, अभी अभी अचानक से ख़राब हो गया, तो मैं बाहर का झाड़ू लगाती हूँ, मम्मी के साथ गोट साफ करूँगी। गोट की हालत देख रहे हैं, पहले क्या कैसी हुई है गोट की हालत, साले गोट में भी है गोबर। हाँ बताओ, पूरे जगह गोबर ही गोबर है, क्या होता है यहाँ तो पूरा अंधेरा हुआ, दिख नहीं रहा कुछ। तो ये अलग गोट करिए, मैं साफ में वाला गोट साफ करूँगी, मुँह जाने लग गए मेरे, पहले बाहर का झाड़ू लगाते हैं फिर। और अब मैंने गोट भी साफ़ कर लिया है, यहाँ पे भी हो चुका है साफ बकरियों के यहाँ पे। तो अब मैं जा रही हूँ भाभी लोगों के घर, क्योंकि वहाँ से थोड़ी मैंने हरी सब्जी लेके आनी, धनिया वगैरह बहुत हुई है, और थोड़ा खेल खुल के भी आना है। बचपन तो चले गया लेकिन थोड़ा मतलब ऐसे बच्चों के साथ अच्छा लगता है ना, अपने घर में अकेला अकेला मज़ा नहीं आता है। तो अब मैं जा रही हूँ भाभी के घर, तो लेके चलते हैं और वहाँ जाके चूप भी खाएंगे साथ में। तो चलते हैं हम, फिर मिलते हैं आपसे रास्ते पर। और मैं पहुँच चुकी हूँ भाभी लोगों के घर, लेकिन यहाँ तो कि है ही बच्चों के अलावा। और डमरू वहाँ देखो, उसने देख लिया, वहाँ आगे करके उसको बिस्कुट उठाने चलते हैं। डमरू
डमरू डमरू नहीं नहीं देखो, जब तक एक ही करके बिस्कुट खा रहा है, हाथ में से नहीं खाएगा जब तक देंगे नहीं, तो इतना समझदार डमरू है हमारा ना डमरू। गाइस आपको पता है मैं यहाँ यही खाने आई थी, मुझे हरी सब्जी खानी थी। और हमारा ब्राता श्री देखो आ गया है स्कूल से, हैं एक्स्ट्रा क्लास से घर पहुँच गए, तो अब हम खाते हैं भात। अकेले अकेले खा रही हूँ, कोई यही नहीं कर रहा, कुछ निकाल के खुद ही खा रही हूँ। और हमारा लोफर भाई चले गया देखो घूमने, लोफर गर्दी करने, एक हाथ चलाने की ऐसे कर रहा ना। और अब ये फूल काले पड़ गए पता नहीं क्यों, बीज बनने लायक हो गया अब इनका, ये देखो मुरझा गए। और इतने एक इतने मस्त फूल हुए ना, मैं आपको दिखाती हूँ रुको। हाँ तो ये रहे वो फूल, देखो कितने प्यारे हैं। हाँ ये देखो ये फूल कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, वाओ पाती के फूल, वाओ खुशबू भी इतनी मस्त आ रही है इसमें से, तो बहुत अच्छे फूल हुए। एक तोड़ के देखते हैं, हाँ नहीं तोड़ते यार रहने दे, तोड़ दो नहीं नहीं अच्छे लग रहे हैं ऐसे, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, वाओ ये फूल। और हम चलते हैं थोड़ा खेत को, खेत का मौसम दिखाते हैं आपको कैसा हो रहा है। बरसीम खूब सारी हुई है, कांदा में देखो ये हमारी कलवा, कल्लू कल्लू सोई है यहाँ पे मेरी गोद में। और इनकी देखो यहाँ पे पंगा चल रहा है, डमरू 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 का पंगा चल रहा है। हेलो गद्दे, हेलो छोड़ो बस छोड़ो, उधर से उधर से छोड़ना, इधर दे इधर, इसकी अलग ही माऊ माऊ चल रही है। मुझे दे और देखो माऊ माऊ बल, मुझे दे मुझे दे कर लो, दे दे कर लो। तो गाइस देखो ऊपर बंदर नाच रहा है, वो पहाड़ी वाला ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठुमक ठुमक वाला। तो गाइज मैं अब आ चुकी हूँ भाभी लोगों के घर से, और घर आते हैं मुझे लगा दिया काम पे, मैं लेके जा रही हूँ सांचा, सांचा या खांचा पता नहीं जो भी कहते हैं इसको, इसको लेके जा रहे हैं छत पे, छत पे मम्मी बना रही गुप्टे वाले। तो ये रही हमारी गोबर की ढेरी, और मम्मी इसको पहले छोटा छोटा मतलब कुचड़ुम कुचड़ुम जहाँ भी कर रही है, थाप रही है पहले इसको, और इसको लेके मम्मी जाएगी अभी खांचे की तरफ। लेकिन पहले मम्मी इसको अच्छी तरीके से पीट पाट के जैसे आधा आटा गूंथते हैं ना वैसे ही कर रही है, और इसको लेके मम्मी चले गई खाचे में। देखो ये है हमारे गांव की औरतों की टेक्निक, बट 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 ये हमें बना के दिया था वो जो व्हाइट वाली टैंकी दिख रही है वो वाले ताऊ जी ने। ये उनका दिमाग था, लेकिन बनाने की कलाकारी माता श्री की है। कोई कोई तो इसमें ऐसे भी गोबर थोप देते हैं, हाँ लेकिन मम्मी इसमें मतलब जैसे पानी भूसा सब कुछ मिला मिलू के लेके जाती है। अब जब ये बनता है कैसे, और काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये बनने के बाद ऊपर को आएगा कैसे, निकलेगा कैसे, तो ये भी आपको अभी देखने को मिलेगा। देखो मम्मी इसमें हद से ज़्यादा मतलब जितना उसमें आ सकता ना उससे भी ज़्यादा भर रही है। अब ये निकाल लिया मम्मी, देखो कितने आसानी से निकल गए टोटल पूरा। अब मैं इसको सूखने में कितने दिन लगते हैं, फिर भी धूप होगी तो जल्दी सूखेगा नहीं तो। और उसके बाद इसमें और थोड़ा साफ कर दिया, वरना ये बार बार नहीं तो चिपकेगा नहीं ना अच्छे से। और अब हम चलते हैं नीचे,
शाम भी हो गई है तो बनाते हैं चाय। दिन का पता नहीं चल रहा कब गया जा रहा दिन, तो अब बनाते हैं चाय। और आज हमारी जान गया, मतलब जो झाली थी वो जंगल गई थी, तो वो कीड़े डाल के लेके आ गई अपने शरीर में, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा। और मैं आ चुकी हूँ अंदर, मैंने चाय बनाने के रख दी है, और मैंने अदरक पता है बाद में डाला, मुझे याद नहीं आई, तो अभी चाय उबल रही है तो उसको लेके चलते हैं बाहर। और मैंने भूरू को दूध नहीं पिलाया, वो अंदर पता है मैं पानी लेने बाहर गई तो उससे पहले अंदर पहुँच गया था, वो ऐसा कर देता है ना आजकल, तो उसको भी दूध पिला के आते हैं हम। और मम्मी के लिए मैं गर्मा गर्म चाय लेके आ गई छत में, मम्मी को देते हैं। और अब शाम हो चुकी है, मैंने शाम के खाने की तैयारी भी कर ली है, सब्जी मैंने डाल रखी। आज सब्जी है मूली के पत्तों की, जो भाभी के घर से लेके आई थी, मतलब इतना मुझे इतना खाने का मन हुआ ना, वो सब्जी सारी मैं ही खाऊंगी, हरे पत्ते हुए भी हुए नहीं है, राई के तो और भी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अब मैं गूंथती हूँ आटा, उसके बाद बनाऊंगी रोटी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ा आटा वगैरह गूंथने के बाद। तो गाइस मम्मी ने यहाँ पे पता नहीं क्या क्या खोल के रखा हुआ है अपना सामान, क्या है ये कनफूल के झुमके होते हैं जो उसके हैं, और चूड़ियाँ पता नहीं मम्मी की कितने सालों पुरानी है ये, बाप रे खजाना तो देखो आप मेरी मम्मी की चूड़ियों का, हर प्रकार की चूड़ी मिलेगी। ये तो जब मैं मुझे अकल आई थी ना, मैं तब से ये चूड़ियाँ देख रही हूँ मम्मी के पास, इतनी खतरनाक चूड़ी है ये और ये देखो ये सेम ना एक ही जैसी है। और ये मैं लेके आई थी मम्मी के लिए ग्रीन वाले, ज़्यादातर तो इसमें मेरी लाइन नहीं दिख रही मुझे, और भी थे, परसों मम्मी के लिए कंगन भी लेके आए थे, मम्मी के लिए कलश यात्रा में लाए थे, इसके साथ ये लो मिक्स थे, पर मम्मी ने पता नहीं वो हाँ ये है, तो ये है इसके साथ मिक्स वाली चूड़ी, ये रेड और येलो का कॉम्बो था। अब मैं किस दिन आपको मेरी माता श्री की सारी चूड़ियों का कलेक्शन दिखा दूंगी, और साथ ही साथ साड़ियों का भी, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कर देना, वरना मैं बना ही दूंगी वैसे भी। और मेरी मम्मी पता नहीं सेट किसके लिए बना रहे हो, मैं नया चूड़ी लिए, नए ये नई चूड़ी कहाँ से आए, कब अकेले मम्मी ने आज देखो मैं घर में थी तो मम्मी दिन में चूड़ी खरीद ली, किसके लिए चूड़ी, किसी को अच्छा मेरी मम्मी इतनी सी चूड़ी किसको दे रही होगी फिर, ये तो कटवा लिए मैंने मम्मी के लिए सावन में दी थी, पापा आपने सब्जी देखी, ये भी मैं लेके आई थी मम्मी के लिए सावन में। तो गाइस सब्जी मेरी बन चुकी है, आटा मैंने गूंथ लिया, और लेकिन अभी रोटी नहीं बनाई क्योंकि गैस नहीं आ रही है, और मैंने तो दो कटोरी सब्जी खा ली, तीसरी कटोरी, आज मैं इतनी भर भर की सब्जी लाई थी, मैंने दुनिया भर की सब्जी बनाई है, पूरी कढ़ाई जो लोहे की होती है बड़ी वाली, और सब्जी मुझे इतनी पसंद है ना, हरी सब्जी तो मैं क्या बताऊँ इस वजह से, तो मैं इसको भी खाती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी जब गैस आएगी। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और आप लोग प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना, आप लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि।